कुछ पहेलियां अनसुलझी रह जाती हैं, कुछ मौत रहस्यमयी। पुलिस, एसआईटी या फिर सीबीआई जांच भी इनके राज पर से पर्दा नहीं उठा पाते। क्या ट्रेनी आईएएस अफसर आशीष दहिया की मौत भी एक रहस्य बनकर रह जाएगी? सवाल इसी महीने हुई आईएएस अनुराग तिवारी की मौत पर भी उठते हैं। दिल्ली के बेरसराय के फॉरेन क्लब के स्विमिंग पूल में आशीष का शव मिला था। बताया गया कि एक पूल साइड पार्टी के बाद सभी अफसरों ने स्विमिंग की, लेकिन उसी दौरान एक महिला अधिकारी पूल में डूबने लगी, जिसे बचाने में आशीष समेत कई और अधिकारी जुट गए। महिला अधिकारी तो बच गई, लेकिन कुछ देर बाद ट्रेनी आईएएस आशीष का शव पूल में मिला। लेकिन सवाल कई हैं। पार्टी में शराब भी थी और शक है कि नशे की वजह से आशीष डूब गए होंगे, लेकिन सवाल कई हैं। आशीष राष्ट्रीय स्तर के तैराक थे, तो फिर कैसे डूब गए? वो महिला अफसर कहाँ है जिसे सब बचाने कूदे थे? केवल 10 फुट गहरे पूल में कैसे डूबे आशीष? क्या आप मान सकते हैं कि 25 अफसरों की नजर अपने डूबते साथी पर नहीं पड़ी? आशीष के परिवार का आरोप है कि आशीष की हत्या साजिश के तहत की गई है। दिल्ली सरकार ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। सवाल सिर्फ ट्रेनी आईएएस आशीष की मौत पर ही नहीं, बल्कि एक और अफसर की रहस्यमयी मौत पर भी खड़े होते हैं। कर्नाटक कैडर के आईएएस अनुराग तिवारी का शव भी लखनऊ में इसी महीने 17 मई को सड़क के किनारे पड़ा मिला था। अनुराग बेंगलुरु में फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट में तैनात थे। परिजनों से मुलाकात के बाद अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अनुराग की मौत की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। लेकिन इस केस के भी कभी न सुलझने के ही संकेत दिखाई देते हैं, क्योंकि अनुराग कर्नाटक में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का पर्दाफाश करने वाले थे। जब उनकी लाश मिली तो उनकी ठुड्डी पर चोट थी और नाक से भी खून बह रहा था। अनुराग कभी सुबह सैर के लिए नहीं निकलते थे, लेकिन मौत वाले दिन उन्होंने ऐसा किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मरने से पहले अनुराग के शरीर से पेशाब का निकलना शरीर पर किसी आघात या फिर बहुत तेज दबाव की वजह से हुआ होगा। जानकारों के मुताबिक उनके पेट से अधपचा खाना मिलने से लगता है कि उनकी मौत रात 1 से 2 बजे के बीच हुई होगी, न कि सुबह 5:30 बजे। आशीष की मौत के पीछे क्या कोई साजिश थी, और अगर थी तो क्या? इस सवाल के जवाब की तलाश जारी है। पर इससे बड़ा सवाल ये है कि जिन अफसरों की हत्याओं की वजह की तरफ करोड़ों का घोटाला इशारा कर रहा है, जब उन पर भी इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है, तो इस राज से पर्दा उठ भी गया तो क्या होगा? क्योंकि सवाल केवल इन दोनों अफसरों की मौत पर नहीं उठते। बेंगलुरु के आईएएस डी के रवि, जिनका शव उनके घर के पंखे से लटका मिला था, जिन्होंने रेत माफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़ रखा था, डी के रवि की मौत को 2 साल से ज्यादा हो गए हैं और इस केस की जांच भी सीबीआई कर ही रही है। ऐसे कई केस और कई घोटाले हैं जिनसे जुड़े गवाह और अफसर मौत की नींद सुला दिए जाते हैं और पीछे रह जाते हैं सिर्फ सवाल और अनसुलझी कहानियां। कैमरामैन अनिल और विवेक के साथ मैं पंकज शर्मा, नवोदय टाइम्स।